मेरा एक हेलीकॉप्टर जो है उनके 20 हेलीकॉप्टर पर भारी है। 150 से भी ज्यादा हम सभा कर लिए। हमारे कमर में हड्डी में चोट तो है, लेकिन डॉक्टर साहब को बोले कि तेजस्वी बेड रेस्ट तभी करेगा जब मोदी जी को बेड रेस्ट कराना। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात नहीं करते, लेकिन हमारे मोदी जी बेरोजगारी का भाव नहीं बोले, महंगाई का भाव नहीं बोले। यहाँ आके क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सनातन इस्लाम और नहीं तो पाकिस्तान। हम मोदी जी से पूछेंगे बेरोजगारी क्यों नहीं हटाए, मोदी जी आप बोले थे हर साल 2 करोड़ देंगे, तो बोलेंगे तेजस्वी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अजीब हाल है भाई, कोई प्रधानमंत्री का स्तर है ये बात करने का? बात कर रहे हो मंगल सूत्र छीनने का प्रधानमंत्री जी? चाचा ने कहा था कि जो लोग 14 में आए हैं वो लोग 24 में जाएंगे, वही काम में हम लगे हुए। देखिए हो गया, सुनो सुनो, डॉक्टर ने हमको सलाह दिया है कि जो मेरे कमर के हड्डी में चोट है, बोले डॉक्टर साहब कि 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट करना है। चुनाव प्रचार चल रहा है, डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब अकेले हम और मुकेश सहनी जी, पूरा गठबंधन, पूरे बिहार में हम ही लोग दोनों घूम रहे। दूसरे तरफ प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के सारे मंत्री हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी हैं, असम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक हेलीकॉप्टर जो है उनके 20 हेलीकॉप्टर पर भारी है। हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। 150 से भी ज्यादा हम सभा कर लिए। हमारे कमर में हड्डी में चोट तो है, लेकिन डॉक्टर साहब को बोले कि तेजस्वी बेड रेस्ट तभी करेगा जब मोदी जी को बेड रेस्ट कराना। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, नहीं आप लोगों ने देखा होगा। आज हम जाले आए हैं, जाले के सभी लोग हैं, जाले की जनता से पूछना चाहते कि प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा या एक बड़ा काम बता दो जो जाले के लिए किया हो नरेंद्र मोदी जी ने। क्या यहाँ कारखाना खोले मोदी जी? कोई निवेश के लिए कुछ लाए मोदी जी? कोनो बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज बनवाए? कोनो मॉडल अस्पताल बनवाए? पलायन रोके? नौकरी दिए? क्या काम किए? गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात नहीं करते। यहाँ के किसानों से हम पूछना चाहते हैं, पता हमारे किसान भाई 70-80% पूरे बिहार में किसान है। हम जाले के मधुबनी के किसानों से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी ने कहा था 22 तक आय दुगुना कर देंगे, आय दुगुना कर देंगे, क्या आय दुगुना हुआ किसान भाई का? क्या फसल का सही दाम मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन हमारे मोदी जी 8 से 10 बार चुनाव में बिहार आ चुके, एक शब्द भी गरीबी का गौ नहीं बोला, बेरोजगारी का भाव नहीं बोले, महंगाई का मां नहीं बोले। आज देखिएगा आप क्या क्या वादा किया था मोदी जी ने। आइए बैठो, मोदी जी आएंगे तो 15-15 लाख रुपया खाता को मिल जाएगा, हर खाते में मिलेगा। अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, काला धन आ जाएगा, सबके पक्का मकान बना देंगे, महंगाई गरीबी खत्म कर देंगे, बिहार में जितना चीनी मिल बंद है सबको चालू करवा देंगे, एक चीनी मिल नहीं खुला बिहार में 10 सालों में। मधुबनी के सांसद एनडीए का, भाजपा का,
राज में 17 साल से सरकार उनका, 10 साल से भारत में उनका राज, लेकिन जाले के लोग खाली वोट देते हैं, मिलता कुछ नहीं है। क्या मिला यहाँ के सांसद ने, क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया। तो आप लोगों को तय करना है कि इस बार वोट देना कि नहीं देना है। हमारे इंडिया अलायंस से, महागठबंधन से, लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश जी ने अली अशरफ फातमी साहब को प्रत्याशी बनाया है। हम आप लोगों के बीच आए, एक एक वोट लाल टेन पे बटन दबा करके फातमी साहब को आप लोग जिताने का काम कीजिए। मोदी जी 8-10 बार आ गए बिहार, लेकिन पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, गरीबी, रोजगार, नौकरी, कारखाना, किसान, मजदूर की बात नहीं कर रहे। बिहार को स्पेशल राज दर्जे देने की बात नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? भाइयों बहनों, ये विपक्ष के लोग अगर सरकार में आ जाएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिनके पास 2 भैंस होगा तो 1 भैंस ले लेंगे, आपकी संपत्ति बाप दादाओं का छीन लेंगे। कोई प्रधानमंत्री का स्तर है ये बात करने का? मंगलसूत्र की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी आप तो शादी नहीं होने दे रहे नौजवानों का। नौकरी लगता तो शादी होता, तब न मंगलसूत्र पहनाता। तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। हम लोग मंगलसूत्र छीने नहीं, बल्कि नौजवानों से ब्याह करा करके पहनवाया। बात कर रहे हो मंगलसूत्र छीनने का प्रधानमंत्री जी? हम लोग तो घर बसा रहे हैं। तकरार नफरत तो आप पैदा करते, हम तो कलम बांटते, तुम तलवार बांटते हो। हम प्यार की बात करते हो, नफरत की बात करते हैं? यहाँ आके क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, सनातन, इस्लाम, और नहीं तो पाकिस्तान। हम मोदी जी से पूछेंगे बेरोजगारी क्यों नहीं हटाए? मोदी जी आप बोलते हर साल 2 करोड़ देंगे, तो बोलेंगे तेजस्वी को पाकिस्तान चला जाना जी। अजीब हाल है भाई। हम लोग मछली खा रहे नवरात्र से पहले, नवरात्र वाला दिन नहीं, नवरात्र से पहले, तो मोदी जी को मछली का कांटा लग रहा है। अब मोदी जी बताएंगे कि हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिए, तो इस पे हमको चर्चा नहीं करनी, ये मुद्दा नहीं है। मोदी जी जान बूझ के ऐसी बातें लाते हैं और बोलते हैं ताकि लोग उनसे काम की बात ना पूछे, केवल आपस में लड़ता रहे, हिंदू मुसलमान लड़ता रहे, यही काम में लगा देते। अरे भाई, हम लोग सबका मान, सबको सम्मान, सबको लेके चलते हैं। तेजस्वी ने जब 5 लाख नौकरी दिया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आए, वो भी निकल जाता, लेकिन हमारे चाचा पलट गए। चाचा ने कहा था कि जो लोग 14 में आए हैं वो लोग 24 में जाएंगे, वही काम में हम लगे हुए। जो चाचा जी सिखाए हमको कि 14 वाला के 24 में बाहर करना है, वही काम में आए हम। अरे तो चाचा जी को तो हाईजैक ना कर लिया है, तो उसी काम में आए। और हमको पूरा विश्वास है कि चाचा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, और वो भी दिल से चाहते हैं कि 14 वाले 24 में जाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नॉमिनेशन था, नामांकन था, आज चाचा जी का तबियत खराब हो गया। पूरा सहयोग मिल रहा है तेजस्वी को चाचा का, चिंता मत कीजिए। जो झंडा उठाए कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे, उस काम में लग गया तेजस्वी। बस
आप लोगों को बटन दाबना, लालटेन पर एक नंबर पर बटन दबाइए। और ये हमारे मित्र पूछ रहे तेजस्वी जी यहाँ पर स्टेडियम कब बनेगा, जब तेजस्वी आएगा तो बन जाएगा, सत्ता में लाओ। हमने तो मोनियुल हक का भी बनाने का काम डीपीआर सब तैयार करा दिया, लेकिन चाचा जी पलट गए तो क्या करें, ले गया बीजेपी वाला सब। खैर जो भी है, हमारा तो सम्मान उनके प्रति था है, लेकिन हमारा सरकार बनेगा तो राहुल जी लालू जी का हाथ मजबूत होगा तो 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में सरकारी नौकरी देंगे। हमारी गरीब परिवार की बहनें यहाँ हैं, माताएं यहाँ हैं, साल में 1 बार रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया का हर साल आपको सहयोग करेंगे, यानी हर महीने 8,333 रुपया आपको मिलेगा। गरीब परिवार की बहनों को गैस सिलेंडर है, लेकिन गैसवा कोई भरवाता नहीं है, इतना महंगा हो गया 1400-1200। हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपया कर देंगे गैस सिलेंडर का, 500 रुपया। अनाज 5 किलो मिलता है तो 10 किलो अनाज हम लोग कर देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग दिलवाएंगे। साथ ही साथ बिहार में स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिलेगा 1,64,000 करोड़ का, यानी हर एक संसदीय क्षेत्र में 4,000 करोड़ का हम लोग मदद करेंगे, ताकि आपका गांव विकास कर सके, आपका पंचायत विकास कर सके, ये सब काम करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को मुद्दे की बात करनी है, आस्था धर्म अपनी अलग जगह है, लेकिन चुनाव में मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई नौकरी किसान बेरोजगार पलायन बात, इस पे बात होनी चाहिए, गरीबी की बात होनी चाहिए। तो कोई लोग भड़काएगा, भड़कना नहीं है, एकदम चुपचाप लालटेन छाप, तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा ना, हाथ उठा के बताइए, जिताइए ना। और सभी लेफ्ट पार्टी सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और सरकार बनेगी तो अहल्या स्थान माँ अहल्या स्थान का जीर्णोद्धार हम लोग कराने का काम करेंगे। राम निवास जी बीमार हो गए थे, कल से जो है अपने काम में लगेंगे, तो विजय का माला पहना दे लीजिए। पहले बोलते थे गाना का डिमांड कर रहे हैं, गाना का डिमांड, ये लोग कह रहे हैं गाना गाने के लिए, तो मोदी जी के लिए गाना है, हम तो गाते सुने हो गए, तुम लोग भी जानते होंगे गाने के बारे में, जाइएगा कि नहीं जाइएगा। अरे तुम तो, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जाले की जनता जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।